किसकी भेड़ माधवी, अभी जेठालाल दुकान से आया होगा और साथ में लाया होगा रत्नागिरी का टिकट। अरे जाएंगे जाएंगे रत्नागिरी हम जाएंगे, घूमेंगे घूमेंगे रत्नागिरी हम घूमेंगे, आएंगे आएंगे सुंदरपाड़ा को लेकर आएंगे। वाह, जैसे कितने टेंशन में थे टिकट टिकट टिकट, लेकिन फाइनली जेठा भाई ने काम करके दिया। थैंक यू सो मच जेठा भाई। चलो मैं पैकिंग करती हूँ। अरे अभी क्या जरूरत है पैकिंग करने की, कल 15 अगस्त है, सोसाइटी में मस्त प्रोग्राम है, उसको एंजॉय करो और शाम को आराम से पैकिंग करो। हाँ हाँ सही साले, आप जल्दी से जाइए, टिकट पिक कराइए और सोडा लेकर आइए। हाँ, क्या? नहीं नहीं मतलब सोडा पिक कराइए और टिकट लेकर आइए। अब्दुल, गर्मी भगाने वाली, माइंड को फ्रेश कर देने वाली मसालेदार ठंडी ठंडी सोडा बना। अभी बनाता हूँ। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब अब्दुल के हाथ का सोडा पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बे अब्दुल, मैं तुम्हारे सोडा के ऊपर हमारे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में बहुत जल्द एक जबरदस्त आर्टिकल लिखने वाला हूँ, फिर देखना यहाँ सोडा पीने वालों की लाइन लग जाएगी। सोडे पे आर्टिकल? पोपट भाई, इस बात पे आज का सोडा आपको फ्री। एक मिनट अब्दुल, तुम इसकी बातों में मत आना, जब तक ये आर्टिकल लिखे नहीं इससे पैसे लेते रहना सोडा के, वरना पता चला ये बोल रहा है कि मैं आर्टिकल लिखूंगा लिखूंगा और बरसों तक फ्री में सोडा पीता रहेगा। सही बात है। और क्या? ओ भाई ओ भिड़े, क्या बोल रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ। तुझे मजाक करने के लिए हमेशा मैं ही मिलता हूँ। तो और कौन मिलेगा पोपट लाल, हम सब ठहरे शादीशुदा, हमारा मजाक तो हमारी बीवियाँ उड़ाती ही रहती है। इसलिए बोलता हूँ शादी तो मैं करूंगा। वाह भिड़े वाह, बिल्कुल दिल पे डायरेक्ट चोट कर दी तुमने, बिल्कुल तार्किक और सटीक बात कही है दोस्त। अच्छा बोलो क्या अंजलि भाभी को? भिड़े तू यार मरवाएगा यार। क्या बात है भाई भिड़े, आज तुम बहुत हंसी मजाक के मूड में हो, लगता है तुम्हारी रत्नागिरी की टिकट हो गई है। हाँ हो गई भाई हो गई, और पता है किसने की? ओहो जेठालाल, आओ 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 यहाँ बैठो, यही है वो शख्स जिसने मेरी रत्नागिरी की टिकट करवाई है। ओ जेठालाल कहाँ जा रहे हो? ओ मैं टिकट तेरे घर पे भूल गया, लेके आता हूँ। क्या जेठालाल, तुम हमेशा कुछ न कुछ भूल जाता है, बादाम खाओ बादाम, सब याद रहेगा तुमको। हाँ तो ठीक है, गोनी भर के बादाम मेरे घर पे भिजवा दो, आपको याद करके रोज खाता रहूंगा। मैं क्यों भिजवाएगा? अरे आपको तकलीफ है ना मेरे भूलने से, तो आपको ही बेचनी पड़ेगी ना बादाम। देखो जेठालाल। यार अभी तुम बहस मत करो भाई, जेठालाल कितना बिजी आदमी है, दिन भर कस्टमर को हैंडल करता है तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं जेठालाल, तुम जाओ टिकट लेके आओ। अरे पर जेठालाल तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है भाई, घर पे फोन करो, टप्पू लेके आ जाएगा और देखे जाएगा टिकट। नहीं टप्पू जरा बाहर गया, मैं 2 मिनट भी लेके आता हूँ, फटाफट आप ही आए। जाओ जेठालाल जाओ, पर तुमको टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भेड़े का टिकट तो मेरे पास है। टिकट कहाँ गई? पैंट की जेब में ही तो थी, फिर से कहीं गिर गई। ये भगवान, अभी भीड़े को क्या जवाब दूंगा? बोल दूंगा कल दूसरी कॉपी निकाल के उसे दे दूंगा। आ गए टिकट लेके आ गए जेठालाल जी। जेठालाल जी? हाँ जेठालाल जी, जी फॉर गड़ा। ला लो टिकट लो। अरे क्या सोच रहे हो जेठालाल, टिकट दो। भेड़े मैं तेरी टिकट याद से दुकान से लेके आया था, टिकट मेरे पैंट के जेब में ही थी, लेकिन अभी पैंट के जेब में नहीं है दोस्त। जेठालाल मजाक नहीं, अभी टिकट दो। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, पैंट के जेब में टिकट नहीं है। कोई बात नहीं भाई, कल टिकट का दूसरा प्रिंट आउट निकाल लेना।
छोड़ो लाल, प्रिंट आउट तो तभी निकलेगा ना जब जयदलाल ने टिकट बुक करवाया होगा। अरे ओ अय्यर, मैं क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप, मैंने 100% इसकी टिकट बुक करवाई है और टिकट मेरी पैंट के जेब में ही थी। टिकट बुक करवाया है तो फिर टिकट किधर है? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि पैंट के जेब से टिकट गया कहाँ। तो क्या टिकट रास्ते में गिर गया? छोड़ो जयदलाल, अरे तुम बोल क्यों नहीं देते हो? जैसा तुम सब कुछ भूल जाते हो वैसा टिकट बुक कराना भी भूलोगे। नहीं नहीं अय्यर, जेठालाल टिकट बुक करवाना भूल नहीं गया है, जानबूझ के टिकट बुक करवाई नहीं है। क्या बोल रहा है भिड़े? जेठालाल, ये आत्माराम क्या बोल रहा है? अरे एक मिनट आप शांति रखो ना भाई। तो भाई भिड़े तू क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा हूँ, सुबह अपना झगड़ा हुआ था ना, इसलिए तुमने जानबूझ के टिकट बुक नहीं की। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम टिकट नहीं लाओगे। अरे भाई टिकट है तो कहाँ है? पता है तुम्हें सुबह से मैं और माधवी टिकट को लेकर कितना परेशान हुए हैं? कितने सपने सजाए थे कि सोनू को सरप्राइज देंगे, साथ में रत्नागिरी घूमेंगे। जेठालाल, ये गंदा मजाक करके तुमने बहुत बुरा किया है। जब माधवी को पता चलेगा कि टिकट है ही नहीं तो। आत्माराम, 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 काम डाउन, तुम्हारा टिकट हो गया है। तुमने मेरा टिकट किया? क्या बात, थैंक यू। एक मिनट, तूने अय्यर भाई को भी बोला था टिकट बुक करने के लिए? हाँ। अरे तो फिर मुझे क्यों बोला? क्योंकि मुझे अय्यर ने बोला तुम्हें बोलने के लिए। अय्यर भाई, इतना बड़ा साइनिस्ट हो के भारतीय रेल के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करते हुए आपको शर्म नहीं आई? एक ही पैसेंजर की दो दो टिकट? अरे नहीं नहीं, एक ही टिकट है। एक ही टिकट निकाली? अरे मैं और माधवी दोनों जाने वाले हैं यार। अरे नहीं 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 आत्माराम, तुम्हारा और माधवी भाभी दोनों का एक टिकट है। लेकिन एक टिकट में दो जन कैसे जा सकते? वो कहाँ बैठेंगे, या तो मैं कहाँ बैठूंगा? नहीं नहीं आत्माराम, तुम मेरा बात समझने का कोशिश करो। देखो तुम्हारा एक टिकट है और माधवी भाभी का एक टिकट है, ऐसा दोनों का अलग अलग एक एक टिकट है। मतलब अलग अलग टिकट है, हम लोग अलग अलग डिब्बे में बैठेंगे? अरे नहीं नहीं आत्माराम, ऐसा नहीं है। एक मिनट, मैं तुमको टिकट देता हूँ, ये लो तुम्हारा टिकट। ये तो मेरा टिकट है। तुम भी जा रहे हो रत्नागिरी? अरे ये तेरी वही टिकट है जो मैंने बुक की है। हाँ आत्माराम, ये वही टिकट है जो जयदलाल ने तुम्हारे लिए बुक किया है। अय्यर भाई, ये टिकट आपके पास कहाँ से है? अच्छा, अरे सोचो नहीं, हमने कभी बताओ ना टिकट कहाँ से है आपके पास? बोल ना भाई। काम डाउन जयदलाल। देखो जब हम लोग, लेकिन 123 ही हुए। कीप द चेंज। हैं? अय्यर भाई सेट हो गए बड़े, है ना मेरे भाई? वो रिक्शा वाले ने मुझे अभी दिया। उस समय यह टिकट तुम्हारे जेब में गिर गया था और मैंने उठा लिया। अय्यर भाई, टिकट आपकी जेब में होने के बावजूद मेरा और भीड़े के बीच के झगड़े की मजा लूट रहे थे, है? टिकट आपके पास थी तो आपको बता देना चाहिए ना, आपने बताया क्यों नहीं? तुमको सबक सिखाने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट चीज संभाल कर रखना चाहिए। अगर सोचो ये टिकट सच में खो जाता तो आत्माराम रत्नागिरी कैसे जाता? अच्छा ठीक, आपको मुझे सबक सिखाना था तो आप मुझे फोन करके सबक सिखा सकते थे, या आप अपने घर पे मुझे बुला के सबक सिखा सकते थे? सही बात है, ये मेरे और भीड़े के बीच में झगड़ा करवा के सबक सिखाने की क्या जरूरत थी? बराबर है जेठा, अय्यर तुमने सही नहीं किया भाई, खामखा मेरे और बिचारे जेठालाल के बीच में झगड़ा करवा दिया। जेठालाल, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। पर हाँ, इस टिकट के लिए थैंक यू वेरी मच। भाई बिड़ा मुझे थैंक यू नहीं बोलेगा? तुम्हें क्यों थैंक यू? अरे यार
भाई जेठालाल का नाम सबसे पहले मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि भाई जेठालाल से बात करो, उसकी बहुत पहचान है, वो कैसे भी करके कोई ना कोई सेटिंग करके तुम्हारा टिकट करवा देगा। करवाई ना? हाँ हाँ हाँ, करवाई करवाई। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू पोपटलाल। ओके सबको थैंक यू। आओ बैठो चलो बैठो बैठो ये भाई करते हैं आप। भाई आप तो मतलब तुम रत्नागिरी जा रहे हो मजे करने के लिए, लेकिन खुशी हमें हो रही है। तुमने भी क्या याद दिला दिया भिड़े, हमारे लिए भी एक जमाने में छुट्टी का मतलब मामा के घर जाना। मामा नु घर केटले दीवो बड़े एकले। हाँ तूफ रोटी खाऊया, मामा चगावाला जाऊया। भाई मेरे मामा के यहाँ तो चीकू के बगीचे थे। अरे मेरे मामा जी के चेन्नई में बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, जब भी मैं वेकेशन में जाता था ना तो बहुत नारियल पानी पीता था। भाई कहीं चीकू कहीं नारियल, मामा का घर तो कमाल होता था। उस जमाने में जब मामा घर जाते थे तो एक बाल कविता बड़ी गाते थे। अचानक वो बाल कविता याद आ गई। मामा जी के घर की बिल्ली। अच्छा ये शीर्षक है? अरे बचपन में क्या शीर्षक हो क्या कुछ पता नहीं था, ऐसे ही गाते थे। सुना दो, आप लोग भी साथ दीजिए। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, एक बड़ी बिलैया रे, एक बड़ी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान, उसकी मोटी मोटी आँख, उसकी मोटी मोटी आँख, उसकी लंबी सी पुछैया रे, लंबी लंबी पुछैया रे, मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। खत्म हो गई, ताली बजाइए यार। मजा आ गया। क्या बात है मेहता साहब, आपने तो एक ही झटके में सबको बच्चा बना दिया। अरे भाई पुरानी यादों के समंदर में डूबने का मजा ही कुछ और है। सच। वाह 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 भिड़े, छुट्टियां मनाने रत्नागिरी तू जा रहा है और मजा हम सबको आ रहा है। देखो पोपट भाई, यही तो खासियत है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की, एक की खुशी में सबकी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, तो मेरी इसी खुशी को सबके साथ बांटते हुए जेठालाल में फिर से एक बार तुम्हें टिकट के लिए थैंक यू कहता हूँ, और ये जाहिर करता हूँ कि आज की सोडा मेरी तरफ से। अरे फटाफट सबका सोडा पिला दे, रेडी है सोडा। दोस्तों आज की यह सोडा अपनी सोनू बिटिया के नाम, कि सोनू बिटिया जीवन में बहुत प्रगति करे और अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का और अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करे। थैंक यू मैंने बेटा, तुम्हारा टिकट है कब का? परसों का। अरे वाह, अरे फिर मतलब कल 15 अगस्त को यही हो ना? बिल्कुल मेहता साहब, इसलिए तो परसों का टिकट करवाया मैंने। अरे भाई हमारा भिड़े और कुछ भूल सकता है, लेकिन सोसाइटी का फंक्शन कैसे भूल सकता है? और कल तो हमारे देश का 73वां स्वतंत्रता दिन है। और भाई भिड़े तो सोडा पीने आया, तब से अपने टिकट की बात कर रहा है, ये कल के प्रोग्राम की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो सोसाइटी में ध्वजारोहण का प्रोग्राम है कि नहीं? बिल्कुल है, सारी तैयारी भी हो गई है ना अब्दुल? यस भिड़े भाई, कल गोकुलधाम में उत्साह होगा, हम चिन्ह तान के अपने प्यारे तिरंगे को सलामी देंगे। यस बिल्कुल होना ही चाहिए, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है भाई, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आजादी की हम लोग, हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए तब जाके आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे। बिल्कुल सही बात है, क्या कुछ नहीं देखा हमारे भारत देश ने, जलियांवाला बाग, अंग्रेजों का अत्याचार, काले पानी की सजा, विदेशी चीजों के बहिष्कार की होली, जेल भरो आंदोलन, सत्याग्रह, अनशन, बीट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश ने आजादी के लिए बहुत सहन किया है। पर देश के बंटवारे को कैसे भूल सकते हैं, देश के टुकड़े हो जाने का वो दर्द हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत कष्ट उठाए हमारे देश ने इस आजादी के लिए, इतनी जद्दोजहद बाद मिली आजादी का उत्सव मनाना तो बनता ही है, पर हम लोग मनाएंगे। मतलब कल के फंक्शन की सारी तैयारियां हो गई? हाँ बिल्कुल सारी तैयारी हो गई है। अरे भाई इतना बड़ा उत्सव है हमारा स्वतंत्रता दिवस, और गोकुलधाम ऐसा सुना सुना रहे, ऐसा ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। बिल्कुल। और कल तो पूरे देश में हर्षोल्लास होगा, आनंद होगा।
पूरे देश में उत्सव मनाया जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वाह वाह वाह, जोश एकदम जोश। अरे भाई अब तो कल के प्रोग्राम के बारे में जानना ही पड़ेगा। मैं भिड़े बताओ बताओ कल क्या प्रोग्राम है। कल ध्वजारोहण करेंगे। मैंने आसपास के सोसाइटी के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया है। कल मेरे स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं। ओहो, मतलब कल प्रोग्राम नहीं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात, ओ पिड़ू ये तो बता, कल ध्वजारोहण किसके हाथों होने वाला है? वो मैंने तय कर लिया। छोड़ी, अरे तो हमें भी तो बताओ। ऐसे बताना क्या आती भाई, मैंने तय कर लिया है कि कल ध्वजारोहण किसके हाथों से होगा। और मैंने जो तय किया है, ट्रस्ट मी, बराबरी तय किया है। अरे ये तो गलत है। इसके गलत क्या है यार, मैं सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी हूँ। तो अरे मैं भी सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। तुम मेरे को नहीं बताएगा तो फिर कैसे चलेगा? और भाई मैं कमिटी मेंबर हूँ भाई, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तुम ऐसे अकेले निर्णय नहीं ले सकते हो। सही बात है। हाँ आत्माराम, तुम्हें तो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता यार भाई, मैं सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी हूँ। इतने सारे फंक्शंस होते हैं, मैं डिसीजन ले लेता तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। कितनी बार तो आप ही मुझे बोलते हैं कि भाई तुम जो डिसीजन लोगे हमें कबूल होगा, तो इस बार मैंने तय कर लिया। आत्माराम ये तो गलत है, ये तो डिक्टेटरशिप है। एक मिनट यार भाई, इधर गंभीर बात हो रही है, इसमें आप अपने जहाज को क्या घुसेड़ रहे हो? जहाज? कैसा जहाज? कौन सा जहाज? तो आप कुछ शिप शिप बोले ना, शिप मतलब जहाज है ना। अरे जयडरल, मैंने शिप नहीं बोला, डिक्टेटरशिप बोला। हाँ तो जहाज का नाम होगा ना डिक्टेटरशिप। अरे नहीं नहीं, जहाज का नाम नहीं है, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। हाँ ये तानाशाही नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नारेबाजी बंद करो भाई, बैठो बैठो। आंदोलन थोड़ी है भाई, हमें कल का प्रोग्राम हंसी खुशी मनाना है भाई। अरे भाई जो गलत है वो गलत है, भिड़े की बात गलत है। सही बात है गलत बात है, सही बात है गलत बात है मुझे। अरे जो बात गलत होगी उस पर तो मुझे कहना पड़ेगा ना कि गलत बात है। समझ गया, अच्छी तरह से मैं समझ गया। आत्माराम जयडलाल के हाथ तो फ्लैग होस्टिंग करवाने वाला है। अय्यर तुम जेठालाल को बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? ओके आत्माराम, मेरे को मालूम है ये तुम्हारा और जयडलाल का मिली भगत है। क्या क्या मिली भगत है भाई? क्योंकि जयडलाल तुमने आत्माराम का रत्नागिरी का टिकट करवा के दिया है, इसलिए आत्माराम तुमसे ही फ्लैग होस्टिंग करवाएगा। अरे वो अय्यर भाई, ऐसे कोई मिली भगत नहीं है, लेकिन हाँ अगर भिड़े चाहता है कि मैं ध्वजारोहण करूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं करूँगा, खुशी खुशी करूँगा। सुना सुना, ये आत्माराम का पार्सलिटी है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हाँ गलत है भाई, गलत है, भिड़े का निर्णय गलत है। गलत है भाई, गलत है, आत्माराम का डिसीजन गलत है। पोपटलाल अय्यर क्या कर रहे हो आप लोग यार, ऐसे नारेबाजी बैठ जाओ। आप वैज्ञानिक हो, आप पत्रकार हो, ऐसे गलत है गलत है अच्छा लगता है। छुपा देते हैं आप दोनों को। गलत है, तो आपका इस तरह से नारेबाजी करना भी गलत है। हम यहाँ पे बहसबाजी क्यों कर रहे हैं? तुम बता दो किसके हाथ से ध्वजारोहण करा रहे हो, तो बात ही बता दो ना, बताने में क्या है। मेहता साहब, मैंने जो भी सोचा है वो सोच समझ कर सोचा है, और वैसे भी कुछ बातें अगर सही वक्त पर पता चले तो उसका मजा दुगना हो जाता है। इसलिए कल जब आपको पता चलेगा कि ध्वजारोहण के लिए मैंने किसका नाम सोचा है, वो जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी। अच्छा, अरे भाई तो अभी खुश कर दे ना, तुझे सबको खुशी करना है ना, तो अभी कर दे। कल करे सो आज, कर आज करे सो अब। करेक्ट, मुझे अभी जानना है भाई ध्वजारोहण कौन करने वाला है। हाँ सॉरी पोपटलाल, वो कल ही पता चलेगा, मैं अभी नहीं बताने वाला। अभी जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। और ठीक है यार पिड़ू, पर इतना तो बता दे, और ध्वजारोहण करने के लिए कोई सेलिब्रिटी आ रहा है क्या? हाँ ये बता सकता हूँ कि सेलिब्रिटी नहीं है, ध्वजारोहण सोसाइटी का सदस्य ही करेगा। हाँ कल सबको ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आना है, चलो सबको शुभ रात्रि। अरे यार ये भी पिड़ू तो बड़ा सस्पेंस क्रिएट करके चला गया। अरे क्या रॉन्ग है यार, ठीक है ना यार, देखो भिड़े जिम्मेदार आदमी है, जो काम करता है अच्छा करता है, इसलिए हमें भिड़े पे विश्वास करना चाहिए, वो सब कुछ बढ़िया करेगा। चलो अब जाके सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठे भाई। चलो चलो भाई, अभी कल ही मालूम पड़ेगा कि आज बार हम किसको फ्लैग होस्टिंग के लिए बोलता है। चलो भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।
चल चलो दुनिया जो कर रहा है वो कल मिलते हैं। आजादी का पर्व मनाने के लिए गोकुलधाम निवासी तैयार है, सबके मन में जोश है, लेकिन 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सभी के मन में यह सवाल है कि ध्वजारोहण कौन भाग्यशाली करेगा, किसके भाग्य में होगा ध्वजारोहण करना। अब ये तो सिर्फ भिड़े को ही पता है, भिड़े ने उसका नाम तय कर लिया है, लेकिन बाकी लोगों के मन की उत्सुकता और उत्कंठा का क्या, भाई कौन करने वाला है ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन भिड़े ने तय कर लिया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी होगा उसे जानकर देखकर आप सभी को गर्व होगा। तो स्वाधीनता दिवस हम मिलकर गोकुलधाम में मनाएंगे, तो कल सीना ताड़ कर भारत माता को प्रणाम करते हुए हम तिरंगे के सामने कहेंगे भारत माता की जय और मिलकर मनाएंगे स्वाधीनता दिवस। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।